ओमनिसेंस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का दिन और आज का वीडियो दोस्तों। देखिए कि वो इसमें नेगेटिव के एक्सरसाइज के बारे में इसमें चर्चा होगी, साथ साथ कुछ नेगेटिव सेंटेंस को आपको याद करने के लिए मौका इसमें मिलेगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो 18 ऐसे नेगेटिव सेंटेंस है जो कि आम दिन में प्रयोग किए जाते हैं, और सभी को छोटे बच्चों से निवेदन है या सभी लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो ये याद कर लें, साथ साथ एक्सरसाइज भी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात कि अगर ओमनिसेंट इंग्लिश को सर्च करना चाहते हैं तो आप इसी यही ओमनिसेंट इंग्लिश लिखिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा टोटल वीडियो, साथ साथ चैनल के प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं। देखिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आगे आने वाली इसी तरह के वीडियो के लिए। और अधिक से अधिक लोग से निवेदन है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी लोग को फ़ायदा मिल सके इस तरह के वीडियो का। दोस्तों देखिए ओमनिसेंट इंग्लिश बहुत ही तरीके से यहाँ तैयार किया गया है, और जिसके माध्यम से आप रिटेन यानी कि राइटिंग में बहुत अच्छे कर पाएंगे, ऐसा फॉर्मेट यहाँ तैयार किया गया। साथ साथ थोड़े से मेहनत के बाद आप बोल भी पाएंगे। तो दोस्तों देखिए बहुत इजी स्टेप में होगा ये सारे, तो ग्रामर की आवश्यकता ही नहीं होगी यहाँ पर दोस्तों। लेकिन 3 से लेकर 6 महीने तक आप के वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, खासकर लिखने में। स्कूल के बच्चे हों या गांव की या शहर की लड़कियां हों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे लोग जो कि इंग्लिश जानना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है जो याद करना है और बार बार इसको रिपीट करना है ताकि आपके जहन में आपके जवान पे चढ़ जाए, वह ईमानदार नहीं है। तो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेंज, सिर्फ चेंज आपको यहाँ करना है बोलते समय, तो ही इज़ नॉट ऐसा याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है वो एक सरल नहीं है, तो सी इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम ऐसा ही बोलना है, सी इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि इस तरह के वर्ड आप दूसरे पे प्रभाव छोड़ पाए। उसके बाद देखिए तुम खुले नहीं हो, इसके लिए यू आर नॉट फ्रैंक, ऐसे ही ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करने पे, ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करने पे आपको बहुत ही प्रशंसा आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट कैंडिड, वह खरा नहीं है। नेक्स्ट जो है वह मुखर नहीं, इसके लिए हो जाएगा ही सी इज़ नॉट आउट स्पोकन। नेक्स्ट जो है वह आशावादी नहीं है, इसके लिए दोस्तों आई एम, इसके लिए वह के लिए यहाँ पर लिख दीजिए ही और इज़, ठीक है, या वह आशावादी नहीं, अगर मैं आशावादी नहीं हूँ कहा हो जाएगा आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक्स, ठीक है। और इस तरह से तुम आशावादी नहीं हो, इसके लिए हो जाएगा यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक्स। तो कई तरह से बन सकते हैं, आपको सिर्फ जवान पे चढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह थोड़ा शर्मीला नहीं है, यानी कि सी ही इज़ नॉट रैदर शाई। नेक्स्ट जो है वह थोड़ी डरपोक नहीं, यानी कि सी इज़ नॉट रैदर टिमेड। नेक्स्ट जो है वह साहसिक नहीं, इसका हो जाएगा यू आर नॉट बोल्ड। आए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों कुछ और इसी तरह के नेगेटिव, जैसे कि वह बहादुर नहीं है, तो देखिए यू आर नॉट ब्रेव, सिर्फ यहाँ बदलाव आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट जो है तुम तेज नहीं हो, उसका लीजिए यू आर नॉट इंटेलिजेंट, देखिए यहाँ बदलाव है। लेकिन इसी तरह का सेंटेंस आप रट्टा मारिए ताकि इस तरह के वर्ड्स जैसे मतलब सेंटेंस बोलेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा आपका, थोड़ा सा अच्छा आपको लोग कहेंगे। नेक्स्ट है वह चालाक यानी चतुर नहीं है, इसका हो जाएगा ही इज़ नॉट क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह प्यारा नहीं है, ही इज़ यू आर नॉट लवेबल। नेक्स्ट है वह कितना प्यारा नहीं है, यानी कि सी इज़ नॉट सो क्यूट, या बहुत प्यारा, ठीक है, वह बहुत प्यारा नहीं है, तो इस इज़ नॉट सो क्यूट, वह थोड़ा एकांत एकांत नहीं है, तो यानी कि ही इज़ नॉट रैदर रिजर्व्ड। नेक्स्ट जो है दोस्तों वह काफ़ी अनुकूल नहीं, यानी कि सी इज़ नॉट क्वाइट फ्रेंडली। नेक्स्ट जो है वह ईमानदार नहीं, इसका हो जाएगा दोस्तों ही इज़ नॉट सिंसियर। नेक्स्ट है वह कठिन परिश्रमी नहीं, यानी कि सी इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। ये सारे सेंटेंस को आप रट्टा मारिए ताकि बहुत इंपॉर्टेंट हो, और एक अगर दो लोग हैं तो एक दूसरे से इस तरह के जो वाक्य हैं उसको बोलिए, यानी कि दो व्यक्ति हो जा रहे हैं एक इधर दोनों एक दूसरे से इसी तरह के वाक्य बोलिए हमेशा, कुछ भी जैसे भी वो बोलते रहिए नेगेटिव से रिलेटेड, तो बोलने के लिए आ जाएगा और लिखते रहिएगा तो लिखने आ जाएगा। सिर्फ इंग्लिश भी लिखेगा तो काम चलेगा, ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश लिखेगा तो समझ बढ़ेगी कैसे इसका हिंदी इंग्लिश का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वर्ब टू बी।
एक्सरसाइज है ये, और ये नेगेटिव का एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेगेटिव का अफर्मेटिव का एक्सरसाइज आ गया था नेगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव आया, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एक्सरसाइज भी आएगा। तो पहले सेंटेंस रहेगा ऐसी, आपको बनाना है अपनी कॉपी पर, जैसा कि मैंने बताया था कि कॉपी ले लेना है, कॉपी पे बनाते रहना है ताकि आपको आपका ज्ञान बढ़े, ठीक है। तो कॉपी जरूर बनाइए ताकि आपका आपको फ़ायदा हो सके। अब देखिए सेंटेंस जो है, इस जगह का जलवायु उनके लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, यानी कि उपयुक्त के लिए कंजेनियल वर्ड दिया गया है यहाँ पर, और जलवायु के लिए क्लाइमेट, ऑफ उनके लिए फॉर हिम, यानी कि बहुत ईजी है बनाना ये। नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो हो जाएगा दोस्तों, वे लोग ईमानदार नहीं, यानी कि ऑनेस्ट, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, मैं इससे अभ्यस्त नहीं हूँ। अब देखिए अभ्यस्त के लिए अकस्टम्ड और हैबिचुएटेड, और इससे के लिए विथ इट बोलेंगे या विथ दिस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अकस्टम्ड के बाद जो है विथ इट या विथ दिस आएगा, ठीक है। अब देखिए विथ जो है दोस्तों, ये विथ एक तरह का जो है प्रीपोजिशन है, तो अकस्टम्ड या हैबिचुएटेड के बाद ही विथ आएगा। नेक्स्ट जो है, यह रोचक फिल्म नहीं, यानी कि इंटरेस्टिंग फिल्म नहीं। अब देखिए जो आईएनजी है इस वो, तो इसमें जो भर में अगर ये आईएनजी मतलब जो वर्ड्स है, तो आईएनजी जोड़कर भर नाउन और एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आईएनजी का बहुत उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट जो है, यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, यानी कि सरप्राइजिंग हो जाएगा, आश्चर्यजनक के लिए घटना के लिए इवेंट हो जाता है, या मैटर भी कहते हैं जिसे मामला भी कहते हैं। आप एनी यानी कोई नहीं, कोई है। देखिए वह कमज़ोर नहीं, यानी कि वीक माने कमज़ोर। नेक्स्ट जो है, वह तुम शिक्षित नहीं हो, इसके लिए हो जाएगा लिटरेट, एडुकेटेड या ट्रेंड, इसका मतलब शिक्षित, ठीक है। नेक्स्ट जो है, वे लोग बेकार नहीं, यानी कि अनएम्प्लॉयड, यूजलेस, वर्थलेस या इनवैलिड, इसका मतलब हो जाएगा बेकार, कर्महीन, कोई काम का नहीं। नेक्स्ट जो है, मैं कोई महान नेता नहीं हूँ, यानी कि नेता महान के लिए ग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, राजू लोग परिश्रमी नहीं है, यानी कि लेबोरियस, इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी होता है। और देखिए राजू लोग जो है ये एक बहुवचन शब्द है, राजू लोग, ध्यान रखेंगे बनाते समय। तो बनाने से पहले आप नेगेटिव से रिलेटेड वीडियो देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर से देखिए, और नहीं बनता तो फिर से देखिए। कोई भी सेंटेंस अगर नहीं बना तो उसको बार बार देखिए, ठीक है। तो पिछला वीडियो नेगेटिव खोजिए, वीडियो को मिल जाएगा, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो देखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, 11 नंबर में। तो चलिए 11 है, तो यहाँ 12 से हो गया। यह मेरी मोटरसाइकिल नहीं है। नेक्स्ट जो है, जो धनी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो आदमी गरीब है वह यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है, कोई यहाँ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कि कोई लड़का होशियार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, पाकिस्तान अच्छे आर्थिक स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट है, कोई किताब अच्छा नहीं है। दोस्तों देखिए एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नो प्रयोग करने के बाद, जब नो का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद एनी, यानी कि जो कोई शब्द के लिए एनी का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नॉट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एनी को जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस लेंगे, आई हैव नॉट, देखिए आई हैव नो फ्रेंड, ठीक है। आई हैव नो फ्रेंड होता है, लिखने में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि आई हैव नो फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा सही है, लेकिन जब वही आई हैव नॉट लिखना होगा तो आई हैव नॉट के बाद एनी के जोड़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस पूरे बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पिछले एक प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन था मतलब हिंदी का, मतलब कि वाक्य, कि जब उस वाक्य में जलवायु का प्रयोग किया गया, तो जब भी जलवायु के बारे में कहा जाता है वहाँ उपयुक्त या अच्छा या बुरा शब्द के लिए कंजीनियल शब्द को लिखना चाहिए। जैसा कि पिछले वर्ड मीनिंग में भी दिया हुआ है, शुरुआत में ही सुटेबल नहीं लिखाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दोस्तों दबाइए, घंटी को दबाना बहुत ही ज़रूरी है,
साथ साथ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे दोस्तों शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए, ठीक है। और ओमनीसेंट इंग्लिश के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो इंट्रोगेटिव का और आगे आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।